वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस में यूनिट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं और आज ही उसकी सेकंड क्लास होगी। इससे पहले हमने क्लास फर्स्ट में इंटीग्रेशन मेथड के बारे में पढ़ा था। आज उसी इंटीग्रेशन मेथड के ऊपर आज अपन एक एग्जाम्पल करने वाले हैं। अगर आपको मेथड आता है तो आप एग्जाम्पल जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल अपन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी फ़ायदा मिलता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। एज ए रिवीजन आप इन क्लासों को देख सकते हैं। सो गाइज, क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन ई की पावर एक्स टेन एक्स इक्वल टू वन। फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन ई की पावर एक्स टेन एक्स इक्वल टू वन। हमें इस इक्वेशन के रियल रूट निकालने हैं बाई द इंटीग्रेशन मेथड। ओके, इंटीग्रेशन मेथड की हेल्प से हमें e की पावर x tan x इक्वल टू वन की क्या निकालने, रियल रूट निकालने हैं। ऑल्सो इसके बाद अप्लाई इक्टन डेल स्क्वायर मेथड टू एक्सलरेशन द कन्वर्जेंस। ओके, और साथ में इस पर डेल स्क्वायर मेथड जो है वो अप्लाई करना है। मैंने आपको डेल स्क्वायर मेथड भी बताया है, इंटीग्रेशन मेथड भी बताया है। ओके, तो करते हैं इसको शुरुआत। जैसा कि अपन स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन मेथड होता है, हम उसे क्या करते हैं, जो हमें इक्वेशन दी हुई होती है उस इक्वेशन के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे दी हुई इक्वेशन को अपन क्या मानते हैं, एफ एक्स के बराबर मानते हैं, फंक्शन के बराबर, है ना। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन को माना एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स टेन एक्स माइनस वन, ये हमारी इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर अगर एफ एक्स की वैल्यू हम जीरो लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी जीरो बराबर ई की पावर एक्स टेन एक्स माइनस वन। यहाँ से इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो ई की पावर एक्स टेन एक्स इक्वल टू वन। यहाँ से आप थोड़ा सा और सोल्व करेंगे ताकि हम क्या करेंगे, एक वैल्यूज जो है निकाल सकें। यहाँ से टेन एक्स की वैल्यू निकालूंगा मैं तो ये ई की पावर एक्स इसके नीचे जाएगा, वन अपॉन ई की पावर एक्स होगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर माइनस एक्स लिख सकता हूँ। अगर ये मैं किसी एक फंक्शन के लिए लिखता हूँ तो मुझे इस प्रकार के कई मान जो है वो निकालने पड़ेंगे, कई वैल्यूज। ओके, जब तक हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलना स्टार्ट ना हो जाए तब तक। इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने इस पूरे फंक्शन को किसके बराबर माना, x के बराबर माना, यानी x इक्वल टू टेन इनवर्स x e की पावर माइनस x। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि x इक्वल टू फाइव एक्स होता है इंटीग्रेशन मेथड के अकॉर्डिंग। देन हमने क्या किया, ये किसी एक फंक्शन के लिए था x1 के लिए, ठीक है। इसी प्रकार कोई n भी टर्म्स होगी, क्योंकि हमें तो n टर्म्स तक जाना पड़ेगा। जब तक हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक हमें करना पड़ेगा, तो हमें नहीं पता कि वो वैल्यू क्या हो सकती है, इसलिए यहाँ पे n लिया हमने, ठीक है। एक्स एन इक्वल टू टेन इनवर्स e की पावर x n माइनस वन टर्म्स के लिए। ओके, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, जब मैं x इक्वल टू वन पुट करूंगा तो फाइव डैश यानी फाइव डैश x नोट लिख सकता हूँ इसको, और इसकी वैल्यू क्या होगी, एक बार अवकलन से वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स जीरो। ये टू एक्स जीरो कहाँ से आया, एक्स इक्वल टू वन रखने पर आया। ओके, अब इंटीग्रेशन मेथड क्या बोलता है, अगर इस फंक्शन की वैल्यू फाइव डैश एक्स नोट की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल वन है तो वह क्या होगा, इंटीग्रेशन मेथड को फॉलो करेगा। ये कंडीशन होती है इंटीग्रेशन मेथड की। इसके लिए हमने क्या किया, इसका अवकलन करेंगे तो क्या अवकलन आएगा, ई की पावर माइनस एक्स, और ये माइनस था ऑलरेडी ई की पावर वाला, तो माइनस साइन चिन्ह पर लग जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा वन प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स नॉट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास लेस देन वन होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ से ये है। ओके, अब इसके लिए हम वो क्या करेंगे, जस्ट डेल स्क्वायर मेथड की अगर मैं बात करूँ तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स टेन एक्स माइनस वन। ओके, इस फंक्शन में अगर मैं एक्स इक्वल टू जीरो रखता हूँ तो मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी एफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन। कैसे, जैसे एक्स की वैल्यू जीरो रखूंगा तो यहाँ पे एफ जीरो जाएगा बराबर ई की पावर जीरो की वैल्यू वन होती है, टेन एक्स टेन जीरो की वैल्यू, ओके जीरो माइनस वन। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास माइनस वन बचेगा। अगर मैं यही वैल्यू एक्स इक्वल टू वन के लिए लेता हूँ तो एक्स इक्वल टू वन के लिए क्या हो जाएगी, एफ वन इक्वल टू ई की पावर वन टेन वन माइनस वन। तो इसकी वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेट क्या आएगी, 3.233473। ये वैल्यू आप कैलकुलेट
कैलकुलेटर की हेल्प से आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है, हमारी जो इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स टेन एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आती है, यानी कि माइनस वन से लेकर के थ्री के बीच में कहीं ना कहीं वो लाइक करेगी वैल्यू। तो हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं कि हमारे जो रूट होंगे वो क्या होंगे, जीरो और वन होंगे, क्योंकि हमने एक्स इक्वल टू के बाद जीरो लिया तो हमारे पास वैल्यू जो वो नेगेटिव आई, और एक्स इक्वल टू वन लिया तो हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आ गई। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसके जो रूट होंगे वो क्या होंगे, जीरो और वन इसके जो है वो रूट होंगे। तो ई की पावर एक्स टेन एक्स माइनस वन इक्वेशन के रूट क्या होंगे, जीरो और वन होंगे। अब हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ से एक्स नोट की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ पे एक्स डैश एक्स नोट निकालना है, फाइव डैश एक्स नोट की वैल्यू निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए होता है कि एक्स नोट इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू होता है। ए क्या होता है, जहाँ पर हमारे रूट जो प्रारंभिक रूट की जो वैल्यू है वो, और ये हो जाएगी जहाँ पे रूट का अंतिम वैल्यू मिलेगी हमें। ओके, तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जीरो है, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे वन है, बाई टू इक्वल टू 0.50 यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि मोड ऑफ फाइव डैश एक्स नॉट की वैल्यू जो है वो क्या होगी, लेस देन वन होगी। बिल्कुल, क्योंकि 0.50 क्या है, एक से छोटा है, ये एक है और ये आधा ही है ओनली, है ना। तो यहाँ से हम फाइव डैश एक्स नॉट लेस देन इक्वल वन जो है वो प्रूव कर चुके हैं। अब हम इसके लिए क्या करेंगे गाइज, अब हम इसके लिए इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या होगा, एक्स एन इक्वल टू फाइव एक्स एन माइनस वन होगा इंटीग्रेशन मेथड से। यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसके लिए क्या होगा इंटीग्रेशन मेथड, एक्स एन इक्वल टू टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स एन माइनस वन। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा एक्स इक्वल टू वन लेना पड़ता है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए वन, सेकेंड के लिए टू, थर्ड के लिए थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, तब तक जब तक वैल्यू जो है हमारे पास लगभग बराबर ना आ जाए। उसके लिए चाहे हमें 10 तक जाना पड़े, चाहे 11 तक जाना पड़े, चाहे 12 तक जाना पड़े। ओके, तो x इक्वल टू वन पर हम क्या करेंगे, x1 इक्वल टू टेन इनवर्स e की पावर, इसकी वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है क्या, -0.50। अगर ये माइनस का तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। ओके, अब इसको हम कैलकुलेटर की सहायता से, इसको हम कैलकुलेटर की सहायता से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। सिमिलरली हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अगर हमें सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालना हो, ठीक है, तो x इक्वल टू टू लेंगे। जब x इक्वल टू टू लेंगे तो वही है x2 इक्वल टू टेन इनवर्स e की पावर इसमें रखेंगे हम x1 की वैल्यू। ओके, माइनस 0.545207 इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.525375। ओके, इसी प्रकार थर्ड अप्रोक्सीमेशन अगर अपन निकालें थर्ड, तो उसके लिए क्या होगी, x इक्वल टू थ्री, तो वही है x3 इक्वल टू टेन इनवर्स e की पावर माइनस 0.525375। ये देखिए मैं सीधा क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब आप इस इक्वेशन में x इक्वल टू वन टू थ्री रखोगे ना तो हमारे पास ये वैल्यू आती जाएगी। जैसे यहाँ पे टू रखेंगे तो यहाँ पे टू माइनस वन यानी एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी, फिर थ्री रखेंगे तो थ्री माइनस वन यानी टू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे मैं सीधा लिख रहा हूँ, चलो मैं आपको एक बार बता देता हूँ जैसे, है ना। तो इसको एक बार इसको मैं बता देता हूँ, इसको सोल्व करेंगे हम कैलकुलेटर की सहायता से तो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स थ्री की 0.53423, ठीक है ना। अब ये वैल्यू कैसे आई वो देख लो एक बार, जैसे हमने x इक्वल टू थ्री रखा है ना, कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, तो x3 हो जाएगा, x3 इक्वल टू देखना कैसे, टेन इनवर्स e की पावर माइनस x 3 माइनस वन, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन की बात हो रही है, ठीक है। क्या रखा, x इक्वल टू थ्री रखने पर तो हमारे पास ये वाली वैल्यू मिली। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स e की पावर माइनस x2। तो x2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यहाँ से आप देखोगे ये x2 की वैल्यू है, ठीक है, ये वाली। तो मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया था, सीधा इस वैल्यू को रखा था, x2 की वैल्यू को यहाँ पे मैंने सीधा रख दिया था, ये रख दिया, और हमारे पास x3 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 तक निकालना है ना। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन,
टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन और जाके 14। जब आप 14 पर पहुंचोगे ना तब आपके पास एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको 14th ही बता रहा हूँ, आपको वैल्यू रखते हुए खुद को सोल्व करना है ना। तो 14th अप्रोक्सीमेशन क्या मिलेगी हमारे पास, x की पावर 14 इक्वल टू टेन इनवर्स e की पावर माइनस x 13 बराबर टेन इनवर्स e की पावर 13 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी माइनस 0.531392। ये मैंने कैलकुलेटर की सहायता से पहले ही निकाल लिया है, ओके। तो ये आपको निकालना है। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास x 14 की जो वैल्यू है वो आएगी 0.531390, ठीक है। इसी प्रकार आप 14 की निकालोगे तो वो वैल्यू आएगी आपके पास 0.531391, और जब आप 16 की वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू आएगी आपके पास 0.531391। तो ये देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई ना, लगभग बराबर वैल्यू आ गई है ना। तो यहाँ पर हम इसको एक बार क्या करेंगे कि जो हमारा इंटीग्रेशन मेथड है वो यहाँ तक इम्प्लीमेंट होता है। अगर ये वैल्यू 16 की बजाय 17 19 20 50 तक जाती तो हमें करना पड़ता, इसीलिए इसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे जो रूट थे 01 उसके ऊपर जब हमने इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई किया तो हमारे पास जो रूट है वो क्या आया। सो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सो रूट इज 0.531391। ओके, ये हमने जो रियल रूट था हमारे क्वेश्चन का वहाँ पे वो निकाला है। अब यहाँ तक हमारा आधा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में हमें चीज़ बोली थी कि हमें यहाँ पे डेल स्क्वायर मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब हम डेल स्क्वायर मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे इसी क्वेश्चन पे। हमें डेल स्क्वायर मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसलिए ज़रूरत पड़ी ताकि हम इस चीज़ को वेरीफाई कर सकें, प्रूव कर सकें कि वास्तव में इंटीग्रेशन मेथड जो है वो डेल स्क्वायर मेथड के बराबर है, ओके। तो इंटीग्रेशन डेल स्क्वायर मेथड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, फार्मूला होता है xn + 1 इक्वल टू xn - 1 की होल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर इंटू xn - 2, ओके। इसमें क्या करेंगे, इस फार्मूले में सबसे पहले हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, ओके। x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पे 2 जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या करेंगे 2 पुट करेंगे, सॉरी n की वैल्यू, x की वैल्यू नहीं है n की वैल्यू है। तो यहाँ से हम जब इस वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स 3 और इसको किससे डिनोट करेंगे, स्टार से, क्यों, ताकि कंपेयर कर सकें। x3 * इक्वल टू यहाँ से x2 हो जाएगा माइनस डेल x1 अपॉन डेल स्क्वायर x0, ओके। n इक्वल टू 2 रखने पर इस फार्मूले में तो हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी, ओके। अब देखिए डेल x1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे आपने मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था डेल x1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी कंडीशन में से पहले कंडीशन को सब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमने सब्स्ट्रैक्ट किया, ये वैल्यू थी हमारे पास, ये हमने निकाली थी पीछे, ओके। तो इसको इस वैल्यू को इस में से कटाते हैं तो हमारे पास एक ये वैल्यू मिलती है, ओके। यानी कि हमें इस ये वाली जो वैल्यू ये मिल गई, अब ये वाली वैल्यू निकालनी है। ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वाली वैल्यू निकालने के लिए हमें डेल स्क्वायर एक्स नोट, इसको कैसे निकालते हैं, x1 - x0 से, ओके। और ये डेल साथ में है तो इसको डेल से भी मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या निकलेगी, डेल x1 - डेल x0, ओके। यहाँ से मैंने ये वाली वैल्यू निकाली है, ये किस चीज़ की वैल्यू है, डेल स्क्वायर एक्स नोट की वैल्यू है। सिंपली हमने डेल x1 की वैल्यू और डेल स्क्वायर एक्स नोट की वैल्यू जो हमारे पास ये आई है इसको मैंने इस फार्मूले में पुट किया है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास इसको सोल्व करेंगे भाई, इसकी स्क्वायर करेंगे और इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x3 * की वैल्यू ये आएगी। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई, अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, x4 की वैल्यू निकालेंगे। x4 की वैल्यू जो हमारा इक्वेशन जो हमें दिया ना tan इनवर्स e की पावर x वाली, ठीक है। तो वहाँ पर tan इनवर्स e की पावर माइनस x3 * क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं x5 की वैल्यू निकालता हूँ तो इसको कैसे निकालूंगा, tan इनवर्स e की पावर माइनस x4,
टेन इनवर्स ए की पावर माइनस एक्स फोर, ये वाली वैल्यू वहाँ रखेंगे सीधा एक्स की पावर फोर की, तो हमारे पास एक्स की पावर एक्स फाइव की वैल्यू ये निकलेगी। ठीक है, अब अगर मुझे डेल एक्स फोर की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो डेल एक्स फोर की वैल्यू एक्स फाइव माइनस एक्स फोर से निकलेगी। ठीक है, दोनों वैल्यू मेरे पास हैं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। यहाँ पे किस चीज़ की वैल्यू है, डेल एक्स फोर की वैल्यू है। क्यों ज़रूरत पड़ी, ताकि हम यहाँ से जब जंप करेंगे एक्स की पावर एक्स थ्री स्टार की जगह हम क्या करेंगे एक्स की एक्स इक्वल टू फाइव लेंगे। जब हम एक्स इक्वल टू फाइव लेंगे ना, तो इस फार्मूले में एक्स इक्वल टू फाइव एन इक्वल टू फाइव पुट करेंगे, ये एक्स हो रहा है मेरे से, एन इक्वल टू फाइव लेंगे तो यहाँ पे देखना एक्स स्टार सिक्स होगा इक्वल टू एक्स फाइव माइनस डेल एक्स फोर अपॉन डेल स्क्वायर एक्स थ्री। तो मेरे पास ये वाला फार्मूला आता है यहाँ पे जब मैं एन इक्वल टू फाइव लेता हूँ। ठीक है, ये वाली वैल्यू मेरे पास ये रही, इसकी वैल्यू मैंने निकाली है ऊपर, इसकी वैल्यू मेरे पास है, दोनों की वैल्यू है, सिंपल सा मैंने क्या किया इसमें मान रख दिया, एक्स फाइव की वैल्यू रखी, डेल एक्स वन की वैल्यू रखी, डेल स्क्वायर एक्स थ्री की वैल्यू रखी। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो हमारा लास्ट जो टर्म्स आया था इंटीग्रेशन मेथड से, एक्स सिक्सटीन की जो वैल्यू आई थी 15-16 की, तो यहाँ मतलब उसके अप्रोक्सीमेट जो है वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू जब तक हमारे पास नहीं आएगी तब तक हमें ये वाला फॉर्मेट जो वो करते रहना पड़ेगा। ओके, एक्स इक्वल टू वन लेना है, वन लेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, जब टू लेंगे तो हमारे पास एक्स थ्री स्टार की वैल्यू मिलेगी, वहाँ से हम फोर और फाइव की वैल्यू निकालेंगे, जैसे ही फोर और फाइव की वैल्यू आएगी तो वहाँ से हम सिक्स की वैल्यू निकालेंगे। ओके, सिंपल इतना ही करना है। और अगर जब ये वैल्यू जब तक इक्वल ना आए इंटीग्रेशन मेथड के इक्वल ना आए डेल स्क्वायर मेथड से, तब तक हमें प्रक्रिया जो है वो चालू रखनी है। अब यहाँ से अगर हमें आगे जाना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, एक्स सेवन की वैल्यू एक्स एट की वैल्यू निकालेंगे और फिर वहाँ से, समझ गए होंगे आप। ओके, सो गाइज आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको एग्जाम्पल समझ आया होगा। इंटीग्रेशन मेथड जरूर कर लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच दोस्तों।